अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जफर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज के व्लॉग में हमने अपनी गाड़ी धोनी है। आपको बताया था काफी दिनों से गंदी हुई है गाड़ी। पिछले व्लॉग में किसी में आज जिक्र किया था मैंने कि गाड़ी मेरी काफी दिनों से गंदी हुई है, मैंने धोई नहीं है। तो आज बस मूड बन गया गाड़ी धोने का, तो मैंने कहा चले आज गाड़ी धोते हैं। तो चले अब जरा सामान वगैरह इकट्ठा कर लें। तो बाकी आपने गाड़ी देखी होगी, गाड़ी की क्या हालत हुई हुई है, काफी दिनों से मट्टी पड़ी हुई है। असल में ना मेन रोड पे घर है ना, जिसकी वजह से तो अंदर मट्टी ज्यादा आती है, तो इस वजह से फिर ना जल्दी गाड़ी गंदी हो जाती है। तो इसलिए फिर मैं अब गाड़ी खुद वॉश करने लगा हूँ। चलें देखते हैं। गाड़ी धोनी मैंने शुरू कर दी है, तो अभी तो फिलहाल पानी डाला है इस पर। तो डस्टिंग ला के तो शैम्पू, गाड़ी में से शैम्पू भी धोनी चाहिए, तरह से भी धोनी चाहिए। तरह से ना कलर फेड हो जाता है गाड़ी का, आप कलर धोते जाएंगे वो फेड कर देंगे। तो कोशिश कर रहे हैं गाड़ी को कुछ भी धोना है आपने शैम्पू से धोना, कोई अच्छा शैम्पू ले लें तो आप उस शैम्पू से धोया करें। अंदर से थोड़ी सी रह गई है, थोड़ी सी इधर से साफ कर लें। ठीक है, तो भैया सीटों वगैरह पर गल मार लें ये साइडों पे। सर गाड़ी धोते वक्त ये साइडें आप ज़रूर साफ किया करें, ये जो साइडें हैं ना ये नीचे से, इससे ये होता है कि आपका पानी जो है ना वो ठहरता नहीं है। चलें जी अंदर चलते हैं अब हम गाड़ी के। अच्छा अब इसका डैशबोर्ड है, उसको साफ कर लेते हैं। अच्छा ये देखिए जी डैशबोर्ड साफ कर लें। अच्छा तो गाड़ी धो ली है मैंने, पसीना काफी आ गया मुझे, तो देखिए आप
अपनी गाड़ी कैसे देंगे। असल में ना जगह थोड़ी सी कम हो गई, जिसकी वजह से ना वो प्रॉपर तरीके से ना वो नहीं दिखा सका। देखिए मैं तो दिया गाड़ी किसी तरीके से बिना जैसे भी तो नहीं है। देखें पहले पट्टी ज़्यादा थी, अब देखें अब ठीक है, वॉश हो के गाड़ी साफ हो गई है, साफ सुथरी हो गई है। ये देखिए जी, ये देखिए ठीक है जी। तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे ख़त्म। अब जाके ज़रा नहा के कपड़े चेंज कर लें, क्योंकि कपड़े भी सारे कपड़े मैंने ट्राउज़र पहना हुआ, ट्राउज़र शर्ट पहनी हुई थी, तो इस वजह से मैंने कहा चलो जाकर नहा के कपड़े चेंज कर लें।